तेलंगाना पुलिस स्टेशन अंतर्गत उधार के पैसे मांगने पर एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक जख्मी हो गया है। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कलमना पुलिस स्टेशन अंतर्गत वन देवी नगर प्लॉट नंबर 130 नागपुर के ईटा भट्टी में चेतन शाहू का इडली सांभर का ठेला है। चेतन ने गुलशन नगर निवासी आरोपी संतोष उर्फ कुबड़ा यादव को उधार में पैसे दिए थे। उधार के पैसे वापस मांगने के लिए वह गुलशन नगर नाग मंदिर के पास गया था, तभी आरोपी संतोष ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बीच संतोष का भाई सुमित और बबुआ यादव वहां पर हाथ में तलवार लेकर पहुंचा और चेतन पर हमला कर दिया। इस हमले में चेतन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बांधवी की धारा 307 504 34 के तहत मामला दर्ज किया है। काल तारीख 16/4/2021 फिर्यादी आणि जखमी चेतन उमेदराव शाहू हा पोलीस स्टेशन यशोधरा नगर येथील वनदेवी नगर येथे या हद्दीत राहणारा व्यक्ती आहे। त्याचे 14,500 रुपये संतोष उर्फ कुबड़ा यादव याचेकडे उसने दिलेले होते। ते उसने पैसे तो मागायला गेला होता, त्याच्यावरून त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाला आणि संतोष उर्फ कुबड़ा यादव व त्याचा सख्खा भाऊ सुमित बबुआ यादव या दोघांनी मिळून शाब्दिक वादावरून त्यांच्यासोबत वादावादी करून तलवारीने त्याच्या डोक्यावर व हातावर मारून त्याला जखमी केले। त्याच्यामुळे त्याच्या तक्रारीवरून हा सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।